हेलो स्टूडेंट, मैं जी सर स्वागत करता हूँ आपका एमएच वर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में। यह देखकर मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि आप वीडियो देखते हैं और कमेंट में प्रश्न भी पूछते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वह कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के लिए है। ये जो वीडियो है वो अध्याय 3 के लिए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके लिए बनाई गई है। तो देखिए कमेंट में प्रश्न पूछे गए हैं तो उनके आंसर देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो द्विव संकर संकरण से संबंधित है और मैंने जो पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कुछ प्रश्न उनसे भी संबंधित है। तो देखिए कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो युग्मक निर्माण होता है वो क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो युग्मक निर्माण करते हैं तो उसमें जैसे अभिमान रूप की कोई लक्षण है, जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी ले रखा है, तो जैसे मान लो कि जनक है और इनसे जब युग्मकों का निर्माण होता है तो हम क्या कर देते हैं, इनको गोलों में बंद कर देते हैं। और किताब में भी जो है ऐसा ही समझाया हुआ है, वहां पर ये स्पष्टीकरण नहीं है कि जब युग्मक बनते हैं तो इनको हम अलग अलग क्यों कर देते हैं। तो इसका कारण ये नहीं है कि यहां पर हम दो लक्षण ले रहे हैं या यहां पर हम एक लक्षण ले रहे हैं, इसका कारण ये नहीं है। देखिए इसका कारण क्या है, आपने 9th के अंदर पढ़ा है अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, तो कुछ थोड़ी अलग टाइप की चीज है तो उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जब कोई जीव होता है तो जीव में सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं, अब ये गुणसूत्र आपने अच्छी तरह से पढ़े हैं 9th के अंदर कि गुणसूत्र क्या होते हैं, हमारी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो डीएनए पाया जाता है वो गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। और मनुष्य के अंदर, हम मनुष्य का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, 23 जोड़ी के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, 23 जोड़ी के रूप में होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा, ये जो 46 गुणसूत्र, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, या आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। और ये जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी में होते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे है कि प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है, जैसे अभी मान लो कि ये कोई गुणसूत्र है, ये हम मान लेते हैं कि ए टाइप का गुणसूत्र है, क्या है, ए टाइप का गुणसूत्र है, तो जब भी ये मनुष्य के शरीर में पाया जाएगा तो इसी की डिट्टो फोटोकॉपी क्या होगा, एक और गुणसूत्र पाया जाता है। तो ये ए टाइप का जो गुणसूत्र है वो क्या होता है, दो पाए जाते हैं। ए टाइप के गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, दो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दो गुणसूत्र पाए जाते हैं इसी को हम क्या बोल देते हैं, एक जोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक जोड़ी बोलते हैं। जैसे ये हमारे बहुत काम आता है लिंग गुणसूत्र वाला एग्जांपल, लिंग गुणसूत्र जो मनुष्य है उसमें 46 टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि 46 में से जो 44 होते हैं, ठीक है, 44 प्लस दो गुणसूत्र, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये जो 44 और दो कितने हो गए, 46 हो गए। तो ये जो 44 अर्थात 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं ये अलिंग गुणसूत्र होते हैं, कौन से होते हैं, अलिंग गुणसूत्र। ये जो गुणसूत्र हैं वो शरीर का निर्माण करने का कार्य करते हैं, किसका निर्माण कार्य करते हैं, शरीर के लिए जो लक्षण होते हैं उनको लाने का कार्य करते हैं। और ये जो दो गुणसूत्र हैं, दो गुणसूत्र का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी, एक जोड़ी गुणसूत्र हो गया। तो ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो जो शिशु होता है या जो छोटा बच्चा होता है उसका लिंग निर्धारण करता है। ये कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। और यहां पर हम बात करें 46 में से 44 या 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और शरीर के लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जबकि जो दो गुणसूत्र या जो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और वो क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। अब क्या होता है, जो नर होता है उसके अंदर ये किस टाइप का होता है, एक्स वाई टाइप का होता है, जबकि मादा जो होती है उसके अंदर वाई वाई टाइप का होता है। अब देखिए यहां पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, यहां पर जो कोई भी जो लक्षण है, जैसे लिंग निर्धारण का जो लक्षण है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, इन दोनों गुणसूत्र के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इन दोनों गुणसूत्र के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि जनक से जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये दोनों अलग क्यों हो जाते हैं, इसका ये कारण नहीं है कि आपने समझने के लिए जो इसके ऊपर बोले लगा दिए या फिर हमको एक लक्षण लेना है, इसका कारण
ये कारण नहीं है, यहां से इसका कारण निकल के आता है। देखिए यहां से कुल मिलाकर हमको ये चीज समझनी है, जो मैं चीज समझा रहा हूं इसमें आपको केवल और केवल ये चीज समझनी है कि जब गुणसूत्र जो होते हैं वो जीव के अंदर जोड़ी में पाए जाते हैं, द्विगुणित गुणित रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? द्विगुणित रूप में पाए जाते हैं, दो दो के पेयर्स में जोड़ी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए कि जब हम लंबाई का लक्षण लेते हैं, प्रत्येक जो लक्षण होता है उसके लिए दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो लंबाई का लक्षण है, कौन सा लक्षण है? लंबाई का जो लक्षण है उसके लिए भी कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। वो दो गुणसूत्र किस में होते हैं? जोड़ी में होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल रूप में मान के चलते हैं कि मटर का जो पादप होता है उसमें हम एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो 20 गुणसूत्र हैं वो 10 जोड़ी के रूप में पाए जाएंगे। किसके रूप में पाए जाएंगे? 10 जोड़ी के रूप में पाए जाएंगे। और उन एक जोड़ी में से ही हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर लंबाई के लक्षण का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को यहाँ पर लिया हुआ है। तो इस वजह से तो यहां पर तो हम जब जनक की बात करेंगे तब तो क्या होगा, हम कैपिटल टी लेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमने एक जोड़ी गुणसूत्र लिया है, क्या किया, हमने एक जोड़ी गुणसूत्र लिया है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि इसको हम डबल क्यों लिखते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पर सिंगल क्यों लिखते हैं। तो देखिए बड़ा ही एक जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने जा रहा हूं मैं आपको ये समझाने के लिए कि यहां पर ये अलग अलग क्यों लिखा गया है। ये क्या था, पिछले साल जो एनसीईआरटी थी उसमें अनुवांशिकी के अंदर ही पूछा जाता था कि ये जो है युग्मक अलग अलग क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का था, वो मैं भी बताऊंगा, पहले मेरे को इसको मिठाना पड़ेगा। तो वहां पर क्या पूछा जाता था कि जब जो अगली पीढ़ी का निर्माण होता है, जैसे ये जनक है उससे जो अगली पीढ़ी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ क्यों नहीं जाती, मतलब गुणसूत्रों की संख्या नियत कैसे रहती है, या फिर हम ऐसे कहें कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणसूत्रों की संख्या है वो निरंतर कैसे बने रहती है। अभी ये क्वेश्चन भी समझेंगे हम और साथ में इसका आंसर भी देखेंगे। तो पहले इसको मिठाना पड़ेगा, तो इसको मिठाता हूं मैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि यहां पर हमने ये तो समझ लिया है कि जोड़ी में क्यों है, जोड़ी में क्यों है क्योंकि हमारे अंदर या जो जीव होता है उनके अंदर जो गुणसूत्र है वो सामान्यतः गुणसूत्र किस रूप में पाए जाते हैं, जोड़ी रूप में या द्विगुणित रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो द्विगुणित रूप में हो गए। अब बात करते हैं युग्मक। देखिए मैंने वीडियो बनाते टाइम आपको बताया था कि जब कोई भी जो जनक होता है, ठीक है, अब यहां पर जो हम अनुवांशिकी की बात करते हैं वो किसमें बात करते हैं, ऐसे जीवों में जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। तो यहां पर भी हम ऐसा एग्जाम्पल देख रहे हैं जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, क्योंकि यहां पर नर पुष्प और मादा पुष्प, जहां पर नर पुष्प और मादा पुष्प की बात आ जाती है या फिर नर और मादा की बात आ जाती है उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन की खासियत होती है कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें युग्मक निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मक निर्माण होता है। ठीक है, युग्मक निर्माण हो गया, यहां पर क्या हो गया? युग्मक निर्माण हो गया। ठीक है, अब आपने जब नाइन्थ पढ़ा था समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन कहां होता है? शरीर निर्माण के लिए होता है। जब भी किसी जीव की बॉडी का निर्माण करना होता है तो वहां पर समसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल और केवल मात्र एक स्थान पर होता है। कौन से स्थान पर? जनन क्रिया के दौरान। जनन क्रिया के लिए ही ये जो है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन के दौरान जब युग्मक का निर्माण होता है तो वहां पर कौन सा विभाजन हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। कौन सा विभाजन हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है यही कारण है कि ये जो एलील है, ये जो लक्षण था इसके जो एलील थे वो क्या हो गए? एक दूसरे से पृथक हो गए। और अगर आपको इसको अच्छी तरह समझना है तो आप नाइन्थ क्लास जो बुक है, जो नाइन्थ का टॉपिक है, वहां पर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में तो देखिए। आपको बस इतना देखना है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, वहां पर क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन का जो महत्व होता है उसमें पहला पॉइंट यही होता है कि अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? युग्मक निर्माण की क्रिया के दौरान होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा कारण क्या है, अर्धसूत्री विभाजन जीवों में पाया ही क्यों जाता है? देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, इसको हम वापस से लिख लेंगे। जैसे भी मान ले कि मनुष्य में एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मनुष्य में एक नर है और एक मादा है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है, नर मनुष्य है और एक मादा मनुष्य है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? नर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहां पर भी क्या पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और आपको यही पता है कि नर और मादा के जो युग्मक होते हैं, या फिर अपन ऐसे कहें कि जो गुणसूत्र होते हैं उनके मेल से नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर ये 46 गुणसूत्र और जो 46 गुणसूत्र हैं अगर ये मिलते हैं तो टोटल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 92 गुणसूत्र हो जाते हैं।
ठीक है, ये बारहवें गुणसूत्र हो जाएंगे। अब ये बारहवें गुणसूत्र हो गए, इसका तात्पर्य आप से समझते हो कितने टोटल कितने गुणसूत्र हो गए इसके अंदर, बारह गुणसूत्र हो गए, तो उसके अंदर लक्षण है वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लक्षण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, या फिर अपन ऐसे कहेंगे जो उसका जो बॉडी होगी, जो शरीर होगा वो विशालकाय राक्षस जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले जमाने में ऐसा होने का कारण ये माना जा सकता है, और वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो उसका जो शरीर है वो बेडोल या फिर बड़ा या किसी भी तरह के उसके जो शरीर है उसकी उसमें भिन्नता उत्पन्न हो जाएगी, और हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा इस टाइप की जो भिन्नता नहीं उत्पन्न होती है। तो इसका कारण ये है कि क्या होता है कि ये जो चीज है वो वास्तविकता में मनुष्य में नहीं होती है। होता क्या है कि देखिए, ये तो क्या थे, यहाँ पर जनक है, ठीक है, और जनक जो होते हैं उनमें क्या होता है, जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन की जो क्रिया है उससे पूर्व ही जो नर होता है उसके अंदर भी और जो मादा होता है उसके अंदर भी, ये जो चीज है आप सीनियर क्लासों में पढ़ेंगे जनन क्रिया के दौरान, और आपने नाइन्थ क्लास में भी ये पढ़ा है कि जब जनन प्रक्रिया होती है जो किशोरावस्था होती है नरों में भी और मादा में भी, किशोरावस्था के दौरान क्या होता है, वर्षण जो होते हैं मनुष्य के अंदर, जो वर्षण होते हैं, ठीक है, वर्षण जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, युग्मक निर्माण होता है, ठीक है, युग्मक वर्षण में बनते हैं, और यहां पर जो मादा होती है उसमें जो युग्मक बनते हैं वो कहां बनते हैं, अंडाशय के अंदर, मादा के अंदर अंडाशय जो है पाए जाते हैं, तो अंडाशय के अंदर जो है युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्षण होते हैं इनका कार्य ही होता है अर्धसूत्री विभाजन करना, अर्धसूत्री विभाजन करना। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के लिए ही मनुष्य में वर्षण और अंडाशय, नरों में वर्षण और इसमें अंडाशय पाए जाते हैं। वर्षण और अंडाशय होता है, इनका कार्य ये होता है कि जो द्विगुणित जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की, जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं उनसे युग्मक निर्माण करना, और ये जो युग्मक निर्माण होता है, ये जो युग्मक होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, अगुणित कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगुणित कोशिका बोलते हैं। अगुणित क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं, और यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं, तो अगुणित इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे भी मान लो कि मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, एक्स और वाई होता है, तो यहाँ पर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में हमने ये पढ़ा था कि वहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, जो जोड़े के गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, तो एक दूसरे से पृथक होंगे तो क्या हो जाता है, ये गुणसूत्र क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। ठीक है, अलग होने की अगर इसको अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग से गोले बंद कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, अलग से गोले में बंद कर देते हैं, जो नर होता है उससे क्या हो जाता है, एक्स और वाई गुणसूत्र का निर्माण होगा, और इधर क्या हो जाएगा, जैसे मादा के अंदर क्या होता है, डबल एक्स होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक एक्स अलग हो जाएगा और एक एक्स अलग हो जाएगा, इस प्रकार से युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहां पर यह हमने किस चीज की चर्चा की, कि जो लक्षण होते हैं, जब जनक में अगर लक्षण की बात करेंगे तो वहां पर हम एलील को डबल लिखेंगे, क्योंकि जो एक एलील है वो पहले गुणसूत्र पे है, जो दूसरा एलील है वो दूसरे गुणसूत्र पे, इस तरह से हम जो है बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमने ये देख लिया कि अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है जहां पर भी लैंगिक जनन होगा, तो मटर का एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर भी लैंगिक जनन होगा, और उसमें भी जो जोड़े के जो गुणसूत्र होंगे उनमें अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या हो जाएगा, युग्मक निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे ये हो गए। अब अगर यहां पर बात करें, जैसे भी मान लो कि यहां पर क्या हो गया, ये सारे जो 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो केवल और केवल एक, अगर हम बात करें युग्मक निर्माण के समय, तो युग्मक निर्माण क्या हो जाता है, 23 ही हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, 23 जोड़ी नहीं 23 ही हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, 23 नर के होते हैं और 23 किसके होते हैं, मादा के होते हैं, तो जब ये दोनों मिलते हैं तो वापिस से पुनः कितने हो जाते हैं, 46 ही हो जाते हैं, और कभी भी जो अगली जो पीढ़ी बनती है उसमें एक्स्ट्रा गुणसूत्र नहीं आता है, और इसी वजह से क्या हो जाता है, ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी अगली पीढ़ी प्राप्त होती है इसमें पुरानी पीढ़ी के समान ही गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, इस क्वेश्चन की, कि जो युग्मक निर्माण होता है उसमें हम युग्मकों को पृथक क्यों करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अब जो अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो द्विव संकर संकरण पे पूछे गए हैं, तो हम क्या करते हैं, इधर हम द्विव संकर संकरण करवाएंगे और साथ में इधर प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो द्विव संकर संकरण में हम क्या कर लेते हैं, इधर नर ले लेते हैं और इधर क्या कर लेते हैं, मादा ले लेते हैं। देखिए, आप जो है वो नर के रूप में कोई सा भी लक्षण और मादा के रूप में कोई सा भी लक्षण ले सकते हैं, लेकिन देखिए हम सामान्यतः क्या करते हैं, ये जो राइट हैंड है इसकी तरफ क्या करते हैं, अप्रभावी लक्षण लेते हैं, क्या करते हैं, अप्रभावी लक्षण लेते हैं, और इधर कौन से लक्षण लेते हैं, प्रभावी लक्षण लेते हैं।
ठीक है, ये नियम होता है संग्रहण करवाने का, इधर प्रभावी ले रहे हैं उधर अप्रभावी ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो दोनों ही अप्रभावी से भी करवा सकते हैं, दोनों ही प्रभावी से करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी ये समझने की कोशिश मत कीजिएगा कि जो नर होता है वो उसके जो लक्षण है हमेशा ही प्रभावी होंगे और जो मादा होगी उसके लिए ये क्या होंगे, हमेशा ही क्या होंगे, अप्रभावी लक्षण होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप चाहें तो इधर क्या कर सकते हैं, जो नर होता है उसके क्या कर सकते हैं, अप्रभावी लक्षण ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि जो अप्रभावी लक्षण होता है वो क्या होता है, इधर की तरफ आता है, और जो प्रभावी लक्षण होता है वो क्या होता है, इधर की तरफ आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो मादा है उसके लक्षण कौन से वाले हों, प्रभावी वाले हों, और अप्रभावी के लिए क्या हो, नर हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लो कि जब हम क्या करें, जो झुर्रीदार और जो गोल है, ठीक है, जो झुर्रीदार और गोल जो बीज होते हैं अगर हम उनका लक्षण एक्सचेंज कर दें, कहने का तात्पर्य है कि हमने क्या किया था, मादा के लिए कौन सा लक्षण लिया था, झुर्रीदार लिया था और उसके साथ हरा लिया था, ठीक है। अगर हम मादा के साथ क्या लेना चाहे, पीला लेना चाहे, पीला ले और साथ में कैसा ले, गोल ले, तो आप ले सकते हैं। यहां पर क्या कीजिए कि प्रभावी जो है मादा को मान लीजिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रभावी लक्षण है वो मादा के अंदर है और जो अप्रभावी लक्षण किसके अंदर है, नर के अंदर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ऐसा हो भी जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रभावी जो लक्षण है वो मादा के अंदर ही हो या नर के अंदर ही हो, लेकिन ऐसा सामान्य प्रकृति में देखा गया है कि अधिकांश जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो मादाओं के अंदर अधिक पाए जाते हैं बजाय नर के, ठीक है। ये कारण देखा गया है ऐसा, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा लक्षणों में होता है अप्रभावी लक्षण मादाओं पाए जाएं, लेकिन अप्रभावी लक्षण नर में भी हो सकता है और मादा में भी हो सकता है। और यहाँ पर आप बात करें संकरण की, तो संकरण में क्या होता है कि प्रभावी मादा भी हो सकती है और नर भी हो सकता है, और अप्रभावी मादा भी हो सकती है और नर भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो चाहे वो मान सकते हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, प्रभावी मादा को मान के चलते हैं, जो नर है उसको अप्रभावी मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे, तो हम क्या करते हैं, इसके लक्षण लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब हम दो लक्षणों की बात करते हैं तो दो लक्षणों में आप ये ध्यान रखिएगा, आप कोई सा लक्षण पहले लिख सकते हैं। जैसे भी मान लो कि हमने क्या किया था कि जो पीलेपन का जो लक्षण था हमने पहले लिया था और झुर्रीदार गोल का जो लक्षण था वो बाद में लिया था। हम कहने का तात्पर्य है कि पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी तो बाय बाय हमने पहले लिखा था और जो गोल के लिए जो आर आर आता है वो बाद में लिखा था। अब आप चाहें तो जो ये जो लक्षण है, जो दूसरा लक्षण है उसको पहले भी लिख सकते हैं और जो दूसरा लक्षण है उसको बाद में लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे वही अनुपात आएगा और उसी टाइप से वो होगा, ठीक है। तो इस टाइप का संग्रहण आपने पहले भी करवा लिया है, अब मैं इस टाइप का संग्रहण करवा के बताता हूं और अनुपात वही आएगा। हाँ, ये होता है कि उस ट्रिक से नहीं आएगा, या फिर अपन ऐसे कहें कि जैसे मैंने जो है त्रिभुज बना के बता दिया तो हो सकता है शायद उस टाइप से नहीं आए, लेकिन अनुपात वो ही आएगा, लक्षण भी वही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब की बार ऐसे ही मान के चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले गोल वाला लक्षण लेंगे, ठीक है, गोल व पीला, ठीक है, गोल व पीला लेंगे और इधर क्या लेंगे, गोल का अप्रभावी क्या होगा, गोल का अप्रभावी होगा झुर्रीदार, झुर्रीदार, ठीक है, और क्या ले लेंगे, झुर्रीदार व हरा, ये इसका क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखिए अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या लिखा, फिनोटाइप लिख लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। देखिए जब हम किसी के भी शरीर को बाहर से देखते हैं, ठीक है, तो जो आपको बाहर से लक्षण दिखाई दे जाते हैं, जैसे मान लो आप किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखते हैं तो उसकी त्वचा का रंग आपको पता चल जाता है कि सांवला है या फिर ये काला है या फिर ये गोरा है, ठीक है, तो ये लक्षण आपको बाहर से दिखाई देंगे। तो जब हम बाहर से दिखने वाले लक्षणों की बात करते हैं तो उनको तो हम क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप बोल देते हैं, फिनोटाइप बोल देते हैं, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब ही होता है लक्षण प्रारूप, और सामान्यतः जो जब शुरुआत में जब हम लक्षणों का अध्ययन करना चालू करते हैं तो हम किसी भी पादप या जीव का जो बाहर के जो लक्षण होते हैं उसी की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर बाहर से दिखाई देने वाले जो लक्षण होते हैं जब भी उनकी बात की जाती है तो उनको फिनोटाइप की संज्ञा दी जाती है। और बात करते हैं जीनोटाइप की, तो जब हम क्या करते हैं किसी जीव की कोशिका लेते हैं, कोशिका के अंदर गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करते हैं कि भाई ये जो लक्षण है जैसे गोरापन है तो कितने गुणसूत्रों के कारण आया है या कौन से गुणसूत्रों के कारण आया है, तो जब इसकी बात की जाती है तब उसको क्या बोलते हैं, हम फिनोटाइप बोल देते, वो जीनोटाइप बोल देते, सॉरी, ठीक है। तो जैसे यहां पर गोल है तो गोल ये तो लक्षण हो गया, ठीक है, ये तो गोल जो बीज है वो बाहर से दिखाई दे जाएगा कि ये जो बीज है वो दिख रहा है वो किस
के कारण वो कैसा दिखाई दे रहा है या गोल दिखाई दे रहा है तो बाहर से हमको दिख जाता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, फिनोटाइप। लेकिन आप बाहर से देखकर ये तो बता ही नहीं सकते कि जो गोल है वो कौन से वाले गुणसूत्र के कारण आया, ये आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो लैब वगैरह होती है वहां पर हमको कोशिका के अंदर गुणसूत्रों का अध्ययन करना होता है। जब हम गुणसूत्रों का अध्ययन करते हैं, गुणसूत्र ये संरचना या हम कहें कि जो जीन होता है, अगर उसका अध्ययन करते हैं तो कौन से जीन के कारण कौन सा लक्षण आया है, तब उसको क्या बोल देते हैं हम, फिनोटाइप, वो जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, फिनोटाइप नहीं बोलेंगे, फिनोटाइप ये हो गया, जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कर लिया, गोल के लिए, ठीक है, गोल के लिए हमने लक्षण निर्धारण कर दिया, और गोल के लिए हमने क्या लिया था, कैपिटल आर, कैपिटल आर लिया था। तो ये कहां पाया जाएगा, ये जो एलील होता है वो कहां पाया जाता है, जीन में पाया जाता है। तो हम बात किसी कर रहे हैं जीन की, तो ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। तो ये हो गया क्या, फिनोटाइप, और ये क्या हो गया, जीनोटाइप। कहने का तात्पर्य है कि जब किसी जीव के बाह्य लक्षणों का अध्ययन किया जाता है या बाह्य लक्षण जो होते हैं, अगर बाह्य लक्षणों का अनुपात होता है तो कौन सा अनुपात होता है, फिनोटाइप अनुपात हो जाता है। और जब हम उसके अनुवांशिक संरचना, कहने का तात्पर्य गुणसूत्रीय संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, जीनोटाइप बोल देते हैं, और उसका जो अनुपात होता है उसको जीनोटाइप अनुपात बोल देते हैं। ये तो क्या हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया। पीलेपन के लिए क्या कर देते हैं हम, कैपिटल वाई लिख देते हैं। तो आपके क्या होंगे, सारे क्वेश्चन जो इस प्रकार से एक साथ जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी, तो जुड़ीदार के लिए क्या आता है, स्मॉल आर आता है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आई स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आराम से जो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इस प्रकार से वीडियो बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं युग्मक निर्माण की। तो देखिए, युग्मक निर्माण जो होता है यहाँ पर बड़ा आसान है। यहाँ पर क्यों है कि देखिए, यहाँ पर क्या है, जो इसके जो दोनों एलील है वो क्या होते हैं, एक समान है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर, इधर भी क्या है कैपिटल आर, इधर क्या है कैपिटल वाई, इधर भी क्या है कैपिटल वाई। ठीक है, ये हम युग्मक निर्माण अब इससे करेंगे। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि मैंने बताया था कि जो लक्षण होता है उसमें क्या होता है, कोई भी लक्षण है तो उसमें क्या होता है, जो कैपिटल होगा, ठीक है, कैपिटल जो होगा वो क्या होगा, पहले आएगा, जो स्मॉल होगा वो क्या होगा, बाद में आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल जो स्मॉल आने का जो नियम मैंने बताया, तो वो एक लक्षण के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक लक्षण। जब तक हम एक लक्षण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक लक्षण की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, कैपिटल पहले आएगा और स्मॉल बाद में आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करते हैं दो लक्षणों की, इसकी बात करते हैं, इसी के स्थान पर आप क्या करेंगे, दो लक्षणों की बात करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, दो लक्षणों की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो लक्षणों की बात करें तो दो लक्षणों में क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल और स्मॉल का नियम उसमें भी लागू होगा, लेकिन कैपिटल और स्मॉल इसके लिए होते हैं जो एक लक्षण होता है उसके एलील के लिए होते हैं। इसके लिए होते हैं, एक लक्षण के एलील के लिए होते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक लक्षण है, गोल का लक्षण है, उसकी कौन से एलील है, ये एलील और ये एलील। अगर यहां पर बात होगी, जब तक हम किसकी बात करेंगे, पहले कैपिटल आएगा फिर स्मॉल आएगा, और यही नियम। ठीक है, लेकिन जब दो लक्षणों की बात होती है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि भले ही वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, उससे भी पहले हमको एक नियम की पालना करनी पड़ेगी, जब जाके हमारा संकरण जो है बिल्कुल ठीक होगा। और वो नियम क्या है कि जो हम पहले लक्षण हमने लिया है ना, जहां से हमने शुरुआत की है और जिसमें जो पहला लक्षण पहले लिया है, उसका ही एलील क्या होगा, पहले आएगा। उसका एलील, लक्षण नहीं, उसका एलील क्या होगा, पहले आएगा। जैसे जो आर है, अब ये हमेशा क्या होगा, आर पहले ही चलेगा और वाई क्या होगा, बाद में चलेगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना होता है कि जब हम युग्मक निर्माण करते हैं या जो जनक बनाते हैं या पीढ़ी बनाते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, हमको पहले एक लक्षण को पूरा करना होता है, फिर बाद में दूसरे लक्षण को पूरा करना होता है। अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी जो संतति बनेगी ना, वो हो सकता है ऐसा गड़बड़ा जाए। तो आप, हम क्या करेंगे, बिल्कुल नियमों के अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि हमको एक ही लक्षण की बात करनी है, जैसे एक ही लक्षण हो, तो उसमें तो हम क्या करेंगे, जो कैपिटल है वो पहले आएगा और स्मॉल है वो बाद में आएगा। लेकिन जब हम दो लक्षणों की बात करेंगे, तो दो लक्षणों में क्या होगा कि पहले पहला लक्षण पूरा करेंगे और फिर दूसरा लक्षण पूरा करेंगे। भले वो कैपिटल वाला कैसा हो, कैपिटल वाला पहले अगर लक्षण का है तो पहले आएगा, कैपिटल वैसे पहले आता। अगर स्मॉल वाला पहले लक्षण का है तो पहले आएगा। जैसे मान लो अगर इसका ऐसे हुआ तो फिर वो पहले आएगा और ये क्या होगा, फिर ये बाद में आएगा भले ही कैपिटल हो। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि पहले पहले लक्षण को लिखेंगे और फिर दूसरे लक्षण को लिखेंगे। तो ये भी आपके एक क्वेश्चन का आंसर है कि अगर मान लो कि जैसे पहला जो है कैपिटल, पहले कैपिटल आता है फिर स्मॉल आता है, या जो है मैंने नियम बताया था, और फिर भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो है स्मॉल को पहले और कैपिटल को बाद में लिखा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हमने नियम, जो दूसरा नियम है ये मैंने वहां पर भी बताया था,
तो यहां पर क्या होगा, पहले लक्षण को पहले पूरा करना है, फिर दूसरे लक्षण को पूरा करना है, हमको ये चीज जो है ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। अब युग्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक लक्षण के जो युग्मक बनाते हैं, जैसे मान लो अगर ये लक्षण होता तो हम क्या करते हैं, सीधे ही इनको क्या कर देते, पृथक कर देते, ठीक है। तो हम यहां पर भी यही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां पर दो लक्षण ले रहे हैं तो हम दो लक्षणों के लिए पूरा करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे जो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है, तो आप एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि हमको क्या करना होता है। देखिए सबसे पहली चीज तो हमको क्या करना है, जैसे अगर हम एकल की बात करें तो हमको क्या करना होता है, लक्षणों को अलग अलग करना होता है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो देखिए हमको संभावनाएं देखनी कि क्या क्या हो सकता है, देखिए होने में क्या हो सकता है। देखो ये तो इससे जुड़ेगा नहीं, क्योंकि तो पहले इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे पहला वाला जो आर है, ये पहला वाला आर है, ये पहला वाला आर क्या होगा, पहले वाले वाई के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। फिर पहला वाला जो आर है वो दूसरे वाले वाई के साथ जुड़ सकता है, ये तो हो गई हमारी पहली संभावना है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जनक है ना वो बिल्कुल क्या है, समान है। तो मैं वहां पर ही बताऊंगा जब अलग अलग होगा, तो ये जो जनक है उसमें क्या है, एलील है वो समान है, तो यहाँ पर कोई भी भिन्नता हमको नजर नहीं आती। अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, और अगर आप इसको इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, अगर आप इसको इसके साथ लिखते तो भी यही आएगा। अगर आप दूसरे वाले, ये जो दूसरा आर है उसको पहले वाले वाई के साथ और दूसरे वाले वाई के साथ जोड़ेंगे तो भी हमारे पास यही आना है, ठीक है, यही आएगा। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, जैसे ये हमारे पास एक लक्षण था, इस एक लक्षण के जो गुण सूत्र थे उनमें क्या हुआ, अर्धसूत्र विभाजन हुआ, ये दोनों से अलग हो गए, ठीक है। और इनमें भी क्या हो गया, दोनों से अलग हो गए। अब क्या करना है कि युग्मक की शुद्धता वाले में हमने क्या पढ़ा था, कोई सा युग्मक है दूसरे वाले युग्मक से जुड़ सकता है, ठीक है। तो ये इसके साथ भी जुड़ सकता है और इसके साथ भी जुड़ सकता है, तो हमने यही किया और यहाँ पर ये जो हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो हमने इस तरह से क्या कर लिया, युग्मक बना लिए। तो अभी हम आगे एक बार और देखेंगे युग्मक निर्माण करना, चार जो युग्मक है वो कैसे बनाते हैं एक बार और देखेंगे। तो देखिए हमने क्या कर लिया, कैपिटल आर और इसके साथ ये जोड़ लिया, फिर हमने ये जोड़ लिया, इसमें भी ऐसे करेंगे और यहां पर भी क्या हो जाएंगे, सेम सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए, ये हमारे युग्मक हो गए। अब हम क्या करेंगे कि आगे जो है इसको बढ़ाएंगे और युग्मक को जोड़ के देखेंगे। अब देखिए यहां पर चार युग्मक समान है, इधर भी जब युग्मक समान होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि पीढ़ी ए के प्रत्यय प्राप्त होते हैं। मैंने वैसे भी आपको बताया था कि एफ1 जो पीढ़ी होती है ना वो क्या होती है, हमारे पास इस तरह से प्राप्त होगी, इसको इसको जोड़ना है। अब देखिए इसको इसको जोड़ने में आपको ध्यान दीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है, पहले एक लक्षण को पूरा करना है। तो एक लक्षण कब पूरा होता है, जब उसके दो एलील होते हैं, तो ये पहला एलील और ये दूसरा एलील, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर ये कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पहला एलील और ये दूसरा एलील, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। ये हमारे पास कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, एपन पीढ़ी प्राप्त हो गई, ठीक है। अभी जो एफ1 पीढ़ी होगी वो ही नर और मादा बनेंगे। अब आप ये मत सोचिए एक ही पादप प्राप्त हुआ है, ये एक पादप प्राप्त नहीं, पादप बहुत सारे प्राप्त होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ को हम नर के रूप में मान लेते हैं, कुछ को मादा के रूप में मानकर आगे संकरण करवाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आगे इधर चलते हैं। तो देखिए जैसे हमने क्या किया है, यहां पर ये लेके चल रहे हैं हम, हमारे पास ये अब जनक है, ठीक है। बाकी जो और डिटेल जो लिखनी होती है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर युग्मक करना है। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए हमारे पास ये जो है थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पहला आर है, ये दूसरा आर है, तो हमको क्या करना है, जो पहला आर है ना इसको क्या करना है, इन दोनों के साथ जोड़ना है अलग अलग, ठीक है। पहले हमको क्या करना है, इससे जोड़ना है, फिर क्या करना है, इससे जोड़ना है। ये हमारा पहला आर था, और फिर क्या है, दूसरा आर है, ठीक है, ये दूसरा आर, तो हमने फिर वापिस से पहले वाई और दूसरे वाई दोनों के साथ जोड़ना है। अगर हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो फिर क्या बनता है, आर और कैपिटल वाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, ये इससे हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो इस, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल है और ये कैपिटल है, लेकिन ध्यान दीजिए ये पहले लक्षण का है ये दूसरे लक्षण का है, तो पहला लक्षण पहले ही आएगा, दूसरा लक्षण बाद में आएगा, ये सेम सेम नहीं है। अगर ये आर स्मॉल है, यहाँ पर अगर कैपिटल आर आता तो फिर हम कैपिटल आर ही लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर स्मॉल वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये कैपिटल वाई है और कैपिटल वाई बाद में आएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये तो दोनों ही क्या है, स्मॉल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हम इस तरह से लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, चार हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लो कि ये ज्यादा लक्षण हम लेते हैं, चार से ज्यादा युग्मक, देखिए अगर हम यहां पर तीसरा भी लक्षण लेके चलते, जैसे भी मान लो कि हम जो है कोई भी ये लक्षण लेते, ठीक है, ऐसा लक्षण ले लेते हैं, तो फिर क्या होता, फिर यहां पर और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती, तो यहां पर फिर हमको क्या करना पड़ता,
अभी तो इसी को रहने दीजिए, ठीक है। फिर हमको क्या करना पड़ता, जैसे हमने यहां पर दो से गुणा किया है, फिर हमको जो है इन्हीं के साथ ही और भी ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते, तो वो क्या है बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, लेकिन वो होता है। तीन लक्षणों का जो संकरण है वो भी होता है, ये आपको एमएससी में पढ़ने को मिलता है, बीएससी में भी नहीं है, बीएससी में भी यही है, त्रिसंकरण वाला कोर्स नहीं होता है, क्योंकि मेंडल ने जो है एक साथ दो लक्षणों का ही अध्ययन किया है, तीन लक्षणों वाला जो अध्ययन होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। लेकिन सीनियर क्लासों में एक टॉपिक आता है कोडोन, तो वहां उसको जो है समझना होता है, ठीक है, तो वो अपने काम की चीज नहीं है, अपने काम की चीज यही है, लेकिन हो जाता है, उसमें भी जो है युग्मक बन जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, अब जो है युग्मक बना लिए हैं, तो हमारे पास पहला युग्मक ये बनेगा, दूसरा युग्मक ये बनेगा, तीसरा युग्मक हमारे पास बन गया ये, और फिर लास्ट में हमारे पास ये बन, ठीक है, ये बन गए। और इधर भी क्या हो जाएगा, सेम यही बन जाएंगे, अब इधर वाले को मिटा देते हैं ताकि वो सारणी इधर बना सके हम, तो देखिए सारणी बनाने के लिए हमको क्या करना था, इस प्रकार से लाइन खींचनी थी, फिर ऐसे खींचनी है यहां पर बीच में, इधर नर के लिए और ये हो गया मादा के लिए, चार युग्मक है और चार डिब्बे बनाएंगे। जैसे आपने पूछा था कि अगर ज्यादा लक्षण होंगे तो क्या करना है, अगर ज्यादा लक्षण हो जाते हैं तो फिर हम ज्यादा लाइनें बनाते हैं, ठीक है, ये हमने इधर भी जो है चार लाइनें इस तरह से बनाई। अब आपको जीनोटाइप निकाल, फिनोटाइप निकालना आ गया था, यहां पर मैं केवल जीनोटाइप के लिए लिखूंगा, ठीक है, तो इससे क्या जगह कम है तो उसमें वो आ जाएगा फिर, तो यहां पर हमने ये लिख दिया, फिर हमने क्या करा, ये दूसरा युग्मक लिखा, ये तीसरा युग्मक, और ये हमारे पास हो गया क्या चौथा युग्मक। इधर भी ऐसे ही किया, ये हमने जो सारे युग्मक इस तरह से लिख लिए। अब वही करना हमको, स्पेस से गुणा करके लिखना है, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर ये आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, तो दूसरे लक्षण में हमको क्या करना है, ऐसे लिखना है, और आर आर तो सेम है ही। अब देखिए इधर यहां पर क्या है, ये क्या है कैपिटल और ये स्मॉल है, तो पहले कैपिटल फिर स्मॉल, और ये दोनों कैपिटल है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों कैपिटल आ गए। इधर क्या है कैपिटल, इधर स्मॉल, इधर क्या है कैपिटल और इधर क्या है स्मॉल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब ये फटाफट से जो करके देख लेते हैं, अब देखिए यहां पर, यहां पर क्या है स्मॉल पहले है लेकिन यहां पर कैपिटल है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको लिख रहे थे सभी में, हम पहले इसको लिख रहे थे, लेकिन देखिए यहां पर क्या है कैपिटल को हमको पहले लिखना है, तो यहां पर क्या आएगा कैपिटल आएगा, क्योंकि फिर भी यहां पर स्मॉल होने के बाद मैंने क्या करा है, स्मॉल को बाद में लिखा है, और यहां पर क्या था कैपिटल पहले था तो कैपिटल आया, और यहां पर स्मॉल है, तो होता क्या है एक लक्षण में कैपिटल पहले और स्मॉल बाद में, और अगर दो लक्षण है तो वो युग्मक निर्माण के दौरान ही होता है, जैसे यहां पर स्मॉल आ रहा है, ठीक है। आगे आप देखते हैं स्मॉल स्मॉल कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल, ठीक है, यहां पर पहले कैपिटल आएगा, यहां पर दोनों स्मॉल स्मॉल है, यहां पर स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, और यहाँ पर भी स्मॉल स्मॉल। अब देखिए अगर हम फिनोटाइप निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे क्या था, इधर एक त्रिभुज बन रहा था इस टाइप से, तो वो नो था, ठीक है, तो देखिए यहां पर ये कैसा होगा, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला, चार हो गए, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला, चार और तीन सात, गोल और पीला, गोल और पीला, कितने हो गए, नौ हो गए। फिर इसके बाद यहां तक क्या था हमारा अगला लक्षण था, गोल और हरा, गोल और हरा, गोल और हरा, ठीक है, तो ये कितने तीन, ये हो गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं झुर्रीदार,
पीला जुड़ीदार, पीला जुड़ीदार पीला, तो ये भी हमारे पास कितने हो गए, तीन हो गए। तो लास्ट में एक क्या बच गया हमारे पास, गोल वो जुड़ीदार और हरा। और उसमें भी हमको यही अनुपात प्राप्त हुआ था, यहां पर भी हमको जो फिनोटाइप है वो नो अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक ही प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं आपका जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि फिनोटाइप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिनोटाइप भी जो है बड़े आसानी से निकल जाता है। अब फिनोटाइप में थोड़ा क्या है, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन है आसान। इसमें क्या है, हमको यहां पर ये देखना है कि जो लक्षण है वो ये जैसे इस टाइप का, अब यहाँ पर हमको टाइप देखने हैं कि इस टाइप के यहाँ पर टोटल कितने हैं। तो पहले तो हमारे पास क्या थे, मैं वो अनुपात लिख देता हूं, 12 24 12 12 1, ये हमारे पास अनुपात था। हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, वैसे मेरे पास ट्रिक भी है लेकिन पहले मैं लॉन्ग वे से बता देता हूँ फिर इसके बाद ट्रिक से बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये लिखना है, ठीक है, हमने ये लिखा, ठीक है ये लिख लिया। अब हमको अगला देखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि अगर इसी टाइप का जैसे ये आ चुका है पहले, अगर वो आगे आएगा तो उसको दोबारा से यहाँ पर नहीं लिखना है। तो ये वाला जो है ये तो दूसरा ही है, तो अभी तक मैचिंग नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं ये, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, उसके बाद ये, फिर हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला, क्या ये वाला हमारे पास पहले आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये वाला हमारे पास पहले आ चुका है, हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास पहले आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या ये आ चुका है दो बार स्मॉल वाई, तो नहीं आया, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद ये तो यही आ चुका है, ठीक है, तो ये रहा हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये लिख दिया हमने, ये आ चुका है, और ये देखते हैं ये इस टाइप का है लेकिन यहाँ पर उसमें स्मॉल है और यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों ही क्या थे, यहाँ पर एक स्मॉल यहाँ पर वो एक कैपिटल और स्मॉल है, फिर दोनों स्मॉल है और यहाँ पर क्या है ये इससे मैच नहीं खाता है, अपन को ये लिखना है, ठीक है ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, क्या हमारे पास ये आ चुका है, ये रहा, क्या ये आ चुका है, जी हमारे पास ये रहा, क्या ये आ चुका है, दोनों स्मॉल अभी तक एक बार भी नहीं आए हैं, तो ये स्मॉल लिखे हमने और ये क्या हो गया, ये हो गया, क्या ये आ चुका है, ठीक है, दोनों स्मॉल के साथ ये भी नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो फिर ये हो गया, इसके बाद ये आ चुका है, ये आ चुका है हमारे पास, फिर ये कैपिटल आर और तीनों स्मॉल ये आ चुका है, क्या ये आ चुका है, ये भी हमारे पास आ चुका है, फिर क्या बचा लास्ट हमारे पास ये बचा है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको इनको काउंट करना है, पहले तो ये देख लीजिए कि आपने यहाँ पूरे लिख दिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास यहाँ पर भी 9 होनी चाहिए तभी अनुपात बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम सही चल रहे हैं कि 9 आ गया। अब हमको ये काउंट करके देखना है कि इस टाइप के कितने हैं, तो देखिए कि ये कितने हैं, तो यहाँ पर क्या है ये एक ही है, इसके अलावा ये नहीं है। देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये हमारे पास कितना है एक है। तो इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, अगला ये है हमारे पास ये कितने हैं, तो ये एक यहाँ है और ये वाला नहीं है, इसके बाद ये अगला पर आपको यहाँ मिलेगा, तो ये आपके ये दूसरा हो गया, तो ये कितने हो गए दो हो गए। उसके बाद हम अगले वाले में चलते हैं, अगला ये है हमारे पास, तो देखिए यहाँ तक ये वाला हो चुका था, अब ये देखिए तो ये कितने हैं, एक तो ये यहाँ पर रहा, ठीक है, इसके बाद ये अलग है और ये भी इस टाइप का नहीं है और ये भी इस टाइप का नहीं है और ये भी इस टाइप का नहीं है, ठीक है, ये भी इस टाइप का नहीं है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ पर, यहाँ पर, ये एक यहाँ और एक यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है ये मिल गया। तो अब कितने हो गए यहाँ पर, ये भी कितने हैं दो हैं। अब अपन को अगला देखना है, तो ये है अपना अगला, ठीक है, अब देखिए ये आपको मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिलेगा, 1 2 3 और ये 4, तो इस टाइप के कितने हैं, ये 4 हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद ये हो चुका है, फिर अगला ये है हमारे पास, तो ये रहा, तो ये कितना है, ये आपको देख लीजिए कितने हैं यहाँ पर, कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल है।
तो ये हो चुका है, ये देखिए ये इसमें ये ऐसा नहीं है। इसके बाद इधर आ जाइए, हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी इसके जैसा नहीं है, ये भी इसके जैसा नहीं है, फिर ये भी हो चुका है, ये इसके जैसा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कितने हैं, एक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कौन सा हो गया था ये, ठीक है। तो ये वाला देखिए, ये रहा एक, ये रहा यहाँ पर, और इसके जैसा एक आपको यहाँ मिलेगा, तो एक और ये दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितने हो गए, दो हो गए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब यहाँ पर ये बचा है, तो अगला वाला हमारे यही है, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये ऐसा एक है, क्योंकि ये सारे हो चुके हैं इधर वाले, अब ये चार ही बचे हैं, तो इसमें ये एक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, एक, ठीक है। ये इस टाइप के कितने हैं, ये जो है ये कितने हैं, दो है, एक ये रहा और एक ये रहा, और फिर लास्ट में कितना बचा, एक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जीनोटाइप निकाल लेते हैं, बड़ा आसान तरीका है, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी इसी में आ चुकी है, देखिए ये पहला ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा, ठीक है, जो चार आ रहे हैं वो ये रहे, फिर ये अगला पांचवा, फिर इसके बाद ये रहा और ये रहा और ये रहा। कहने का तात्पर्य ऐसे है, एक फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर वही उल्टा, ठीक है, इस तरह से जो है हमारे पास ये। तो ये जहां जहां ये जगह है वहां वहां आपको ये अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी हो सकता है कि इसकी नई ट्रिक निकाल लें, ठीक है। तो ये मैंने जो है इस वीडियो के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सभी का सॉल्यूशन करने की पूरी पूरी कोशिश कर दी है। इसके अलावा भी आपको अगर किसी और क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर के भी क्वेश्चन की वीडियो बनानी चाहिए या आप मेरे को कमेंट में बताइए, और साथ में यही बताइए कि अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो वही चैप्टर आप चालू करेंगे। तो आप आज ही इस वीडियो को देखकर बता दीजिए कि कौन सा चैप्टर चालू करना है, ताकि कल से उसकी तैयारी प्रारंभ हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अवश्य लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियो को बनाने का जो हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा हो सके। जो बच्चे हैं उन तक ये जो चैप्टर है, दसवीं का जो कोर्स है, वो आसानी से पहुंच सके। तो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।